यूक्रेन में फंसी केसरिया की एमबीबीएस की छात्रा, हमले की खबर से माता पिता चिंतित, सरकार से बेटी को सुरक्षित लाने की मांग। जी हां, इन दिनों जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन के, ये आप सभी जानते हैं। ऐसे में जिसके भी बच्चे वहां फंसे हैं, सभी के घर में अफरा तफरी मची है, सभी चिंता में है। ऐसे में केसरिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विपुल कुमार राय व कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमार यादव की पुत्री विशाखा राय यूक्रेन के ओडेशा शहर में फंसी हुई है। वह एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष की छात्रा है। जानकारी के अनुसार रूस ने भारतीय समय अनुसार गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया। इससे युद्ध के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। इसमें से एक विशाखा और इसका छोटा भाई कुमार वैभव दोनों स्थानीय ताजपुर पटखौरिया के रहने वाले हैं। कुमार वैभव यूक्रेन के खारकोव शहर में रहकर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। यहां बता दें कि यूक्रेन में हमले की खबर से माता पिता समेत अन्य परिजन काफी चिंतित है। इस घटना से माता पिता काफी डरे व सहमे हुए हैं। हर समय उसके कुशल क्षेम के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं माता पिता ने भारत सरकार से बेटी व बेटा समेत अन्य भारतीय नागरिकों को सकुशल व सुरक्षित वापसी की मांग की है। वहीं ओडेसा से विशाखा से सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने माता पिता से वहाँ की स्थिति के बारे में बताया। वहीं विशाखा ने बताया कि हमें अपने कमरे में ही रहने व दूतावास से व संपर्क में रहने को कहा गया है। कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव ने कहा कि भारतीय छात्रों के भविष्य को देखते हुए तत्काल भारत सरकार को सक्रिय होना चाहिए। वहीं उन्होंने यूक्रेन में संकट में फंसे छात्रों की मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब हो कि यूक्रेन के ताजा माहौल को देखते हुए विशाखा और वैभव के माता पिता काफी चिंतित हैं, जिसके कलेजे के टुकड़े वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। मेरा नाम विशाखा है और मैं यूक्रेन के ओडेसा में रहती हूँ। मैं एमबीबीएस फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं, कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज़ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से जो कि 1.5 किलोमीटर की रेंज पे ओडेसा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल के जैसे आधे किलोमीटर पे बिल्डिंग पे हुआ, फिर आसपास हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रियल स्टेटस किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी बस हमें रास्ते में आते जाते टैंक दिख रहे हैं। सब कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भाई जो कि यूक्रेन के खारकीव में रहता है, जो कि बॉर्डर है, जो कि मेन इलाका है दोनेस्क और लुहान, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, खारकीव रशिया के बॉर्डर पे है, वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। हमारा कंटिन्यूस खारकीव में कल सुबह से लेकर रात तक बॉम्ब मतलब एक्सप्लोशंस होते रहे हैं। किसी को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक करके रख चुके हैं। शॉप सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की करेंसी भी स्टेबल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें करना क्या चाहिए राइट नाउ। कुछ लोग बंकर में हैं, कुछ लोग घर में हैं, गवर्नमेंट की ओर से अलग स्टेट। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं मेरी बड़ी बेटी विशाखा राय और मेरा बेटा वैभव खारकीव में है, बेटी ओडेसा ओब्लास्ट में है। और कल से लड़ाई शुरू हो गई है, हमारी उनसे सुबह ही बात हुई है, लगातार व्हाट्सएप पे कॉल हो रही है। आज उसने बताया कि एटीएम भी काम अप करना बंद कर दिया है और खारकीव जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। बेटे को कल बंकर में जाने का आदेश हुआ है, बेटा कल रात बंकर में ही था। आज सुबह बात हुई है, उसने कहा है कि थोड़ा देर के लिए 6 बजे तक के लिए रोक लगी है बाहर निकलने के लिए, और वहाँ से दूसरे बंकर में जाने का आदेश हुआ है। हॉस्टल में कहीं बंकर है वहीं पर जाने का आदेश हुआ है, तो बेटा वहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? अब हम इंडियन गवर्नमेंट से हम यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को जितने भी इंडियन फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत अपने देश वापसी के लिए व्यवस्था करें, अनुरोध करना चाहते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, कई को बच्चा है आपका वहाँ? 2 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़की, फोर्थ ईयर, इस साल उसका कम्प्लीट हो गया एमबीबीएस का। यहाँ से बेटा थर्ड ईयर, यहाँ से उनका प्रस्थान कब हुआ है? सितंबर में गए हैं वहाँ पर जी, अभी तक वहीं हैं। हाँ, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं ना? एमबीबीएस कर रहे हैं दोनों बेटी, फोर्थ ईयर में है।
बेटा थर्ड ईयर में। सरकार से आप क्या मांग कर रही हैं? बस सभी बच्चों को सकुशल वापस लाएं, जितने भी इंडिया से फंसे हुए हैं सभी को तुरंत रेस्क्यू करें। मोदी से अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था करें। रशिया से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, उसी के हवाले से मैं कहूँगी प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो युद्ध विराम रुकवा सकते हैं और सभी को, सभी इंडियन को सकुशल वापस ला सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित्रा कुमार यादव, पूर्व प्रमुख केसरिया। अशरफ आलम, केसरिया, पूर्वी चंपारण। राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 14 ब्लॉक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। डीएम ने कार्यक्रम में किया शुभारंभ। सहरसा में राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 14 बालक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य समारोह स्थल सहरसा स्टेडियम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के कई अधिकारी भी मौजूद थे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन सहरसा के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय विद्यालय अंडर 14 बालक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो जिले में 25 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मैदान में मौजूद भागलपुर कटिहार की टीम से रूबरू होकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। इसके बाद टॉस कराकर मैच की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बिहार भर से आए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दिया। पूरी आयोजन समिति, स्टेज पे उपस्थित मेरे टीम के सभी मेंबर, पत्रकार मित्रों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं इस खेल में अपना योगदान देने के लिए, और सहरसा से भी ज्यादा जो बाहर के जिलों से आए हुए बच्चे हैं जिनके हम लोग एक तरीके। जिला ब्यूरो, शिव कुमार भगत। रूस का लगातार हमला जारी है, ऐसे में युद्ध के दौरान लगातार बमबारी जारी है। कई छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं और उनके परिवार के लोग परेशान हैं। सहरसा जिले के बटराहा मोहल्ले के वार्ड नंबर 25 के रहने वाले प्रवीण भी, जो कि भारतीय हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव में मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो भी वहां फंसे हैं। यहां परिवार में बहन और बहनोई परेशान हैं और रो रो कर बुरा हाल है। अपने भाई और साले के घर वापसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। वहीं मीडिया के सामने प्रवीण भारती के परिजनों का दर्द छलका और उन्होंने सरकार से प्रवीण भारती की भारत वापसी की मांग की है। अब यहां देखने वाली बात ये होगी कि इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं कि भारत के बहुत सारे बच्चे वहां फंसे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करती है और कितनी जल्दी भारतीय बच्चों को सुरक्षित उनके घर वापस लाती है। कुछ नहीं सूचना सर मिल रहा है अभी फिलहाल, कुछ नहीं, बात नहीं हो रही है उससे, बहुत कम बात हो रही है सर। किसी तरह वापस लाइए उसको, किसी तरह वापस लाइए, सरकार से मेरी मांग है किसी तरह उसको वापस लावे यहाँ। क्या नाम है? मैं आपके परिवार के सदस्य फंसे हुए हैं, क्या चीज की पढ़ाई के लिए गए थे और क्या अभी हालात है और क्या सूचना मिल रही है? भाई MBBS की पढ़ाई करने के लिए, थर्ड ईयर के छात्र हैं और वहाँ हालत बहुत गंभीर है। ये सब बंकर में छुपे हुए हैं। अभी मैंने कभी काल जो होती है उससे बात होती है, हर वक्त बात नहीं होती है, वहाँ हर चीज का अभाव है। उसके जस्ट बगल में 2 किलोमीटर के रेंज में ही बमबारी हो रही है और वहाँ न पानी पीने का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, न ATM की सुविधा है, कैश उस सब चीज़ समाप्त हो गया। 3 दिन से बच्चे जो है वैसे भूखे हैं वहाँ। सबसे बड़ी बात नेटवर्क की व्यवस्था है, बात बहुत कम हो पाती है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे बच्चे को जो आप वापस ले आए इंडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दिनकर हुआ, हमारा साला हुआ प्रवीण कुमार भारती। सहरसा जिले से गौरव कुमार की रिपोर्ट।